नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी डेल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ ब्रेड की रसमलाई। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं ब्रेड की रसमलाई में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। चार ब्रेड, 50 ग्राम चीनी, 10-12 कटे हुए काजू, 10-12 ग्राम चिरौंजी, 10-12 कटे हुए पिस्ता, 1 लीटर दूध और 10-12 कटे हुए बादाम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और इसे उबलने तक का वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूध उबलने वाला है, इसलिए हमें इसे हिलाते रहना चाहिए, हमारा दूध लगने ना पाए नीचे। अब हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे, जब तक इसका चौथाई भाग ना रहे तब तक इसे उबलने दीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से बादाम डाल देते हैं और बाकी बचा के रखते हैं गार्निश के लिए। थोड़ी सी चिरौंजी, इन्हें भी हम बचा लेते हैं। थोड़ा सा पिस्ता डालते हैं, हम थोड़ा बचा लेते हैं। थोड़े काजू डाल लेते हैं और इन्हें भी बाद में डालने के लिए बचा लेते हैं। अब इसे धीरे धीरे हिलाते रहें। हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए इसे ऐसे हिलाते रहिए। हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हमने 1 लीटर दूध में से चौथाई हिस्सा बचा लिया है। अब हमने इसे बंद कर दिया है और इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। तो दोस्तों हम अपने ब्रेडों को गोल आकार में काटने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा दोस्तों इस तरह इन्हें काट काट कर एक साइड में रख देते हैं। हमने गोल आकार में इनकी ऐसी शेप बना ली है। देखिएगा दोस्तों हमारा दूध ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो गया है। देखिएगा दोस्तों हमारी रसमलाई तैयार है। गार्निश के लिए जो हमने बचाए हुए पिस्ते थे वे भी इसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर टूटी फूटी गार्निश के लिए डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब हमारी ब्रेड रसमलाई सर्व करने के लिए तैयार है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।